वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में सभी का स्वागत है। लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए मेरा एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज बात करते हैं 400 BC क्या होती है, 400 BC किस किस तरह से 400 BC की जा सकती है और 400 BC में कितने साल की सजा है, सारे आज इस वीडियो में आप जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा कि कोई भी व्यक्ति चीटिंग कर लेता है, 400 BC कर लेता है, फोर्जरी कर लेता है, तो उसको क्या सजा है क्या सजा नहीं है, सारी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग हर दिन आए दिन ऐसी घटना सुनते रहते हैं, किसी के साथ किसी ने क्या किया, किसी के साथ किसी ने चीटिंग की, किसी के साथ किसी ने नकली हस्ताक्षर करके किसी के पैसे हैंट लिए, किसी के पैसे चुरा लिए, या किसी के नकली साइन करके किसी की जमीन को अपने नाम करा लिया, एग्रीमेंट करा लिया। सारी चीजें आप हर रोज दिन हर आए दिन ये घटना सुनते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं इसी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर छल कपट करके किसी की संपत्ति को अपने नाम करवा लेता है, या किसी व्यक्ति को छल कपट करने के लिए उकसाता है, या किसी भी व्यक्ति को ये कहते हुए कहता है कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, तेरे साथ ये करने से ऐसा होगा, अब किसी व्यक्ति को उकसाना भी 400 BC कहलाता है। क्योंकि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में किसी अनजान अनपढ़ व्यक्ति उसके अगर खाली कागजों पर साइन करा लेते हैं, तो उससे भी फौजरी कहलाती है, 400 BC कहलाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति के साथ छल कपट कर लेता है, उसके साथ सिग्नेचर करवा लेता है, या उसके देख जो सिग्नेचर अंगूठे फर्जी अंगूठे लगा लेता है, ये 400 BC के ये धोखाधड़ी के अंदर आता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग करता है या चीटिंग करता पाया जाता है, तो उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना जाता है, उसके खिलाफ 420 में मुकदमा दर्ज होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है, तो उसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है 400 BC में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का या अनपढ़ या जो कुछ नहीं जानता उसका फायदा उठाकर साइन करके अगर उसकी संपत्ति अपने नाम करवा लेता है, या चल कपट करके कुछ भी कर लेता है, तो वो 400 BC के अंदर आता है। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है, अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है या किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, किसी की संपत्ति को अपने नाम करवा लेता है, या गलत साइन कर लेता है, फॉर्जरी करता है, तो उसके खिलाफ 400 BC का मुकदमा दर्ज होता है। 400 BC का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा उसे तफ्तीश की जाती है, और 400 BC का मुकदमा दर्ज होने पर उसको 1 अवधि से 7 साल की सजा का प्रावधान है, उसे 7 साल की सजा होगी अगर सच होता है तो। इसी के साथ साथ अगर यह होता है कि उसने चिटिंग की है, चल कपट की है, तो उसे 7 साल की सजा प्लस जुर्माना दोनों होगा। इसी के साथ साथ पुलिस 90 दिन में चालान पेश करना अनिवार्य होता है, अगर पुलिस 90 दिन में चालान पेश नहीं करती तो उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इसलिए दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।